नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर के थाना खमरिया के वर्धा घाट में फायरिंग रेंज से निकलकर घरों में घुसी बंदूक की गोलियां। ठेकेदारी का काम करने वाले एक ठेकेदार की बाल बाल जान बची। ठेकेदार के हाथ में गोली भी लगी है, जिसके बाद घायल का मेडिकल में इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी लगते ही खमरिया थाना पुलिस जाँच में जुटी। रवासी क्षेत्र में भाई गोलीबारी करने नहीं चाहिए, सिखाने का कोई वो है ही नहीं है। क्या हुआ था, क्या घटना के नाम है, कैसे लगा? सर मैंने टिफिन लगाई काम पे जाने के लिए, तो ये जैसे ही टिफिन लेके काम पे जा ही रहे थे, उतने में गोली आई और उनको हाथ में आके लग गई घर ही में। साढ़े आठ बजे। ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है? वर्धा घाट के रहने वाले हैं, उनका दिलीप बैन नाम है। ये कैलाश धाम के पीछे फायरिंग हो रही थी, तो वहाँ से गोली उड़ के सीधे हमारे घर पे आई। दो गोली आई, एक गोली आई तो कान से छू के चली गई और एक गोली आई तो जर्सी फाड़ के लग गई उनको। अभी आप लोग कहाँ आए हैं? मेडिकल आए हैं। कोई और अन्य घायल हो? नहीं, अंदर बहुत ज्यादा घाव बन गया। क्या बोले हैं डॉक्टर? बोल रहे हैं कि चार टांके लगेंगे। जी क्या करते हैं? ये ठेकेदारी करते हैं। मुझे लापरवाही है वो। कुछ भी नहीं सर, वो काम पे जा रहे थे। अच्छा भला मैंने टिफिन लगाया, टिफिन लगा के बैग ही टांग के गाड़ी चालू कर ही रहे थे, इतने में गोली आई, एक कान से छू के गई और एक आई तो जर्सी फाड़ के लग गई उनको। आपको लग रहा है लापरवाही है? हाँ वहाँ पे लापरवाही है सर। आपका नाम बताइए? सोनम बहन। जी क्या हुआ था, क्या घटना कराई? वो वर्धा घाट लठोरी में मेरे दामाद काम पे जा रहे थे सुबह 8:30 बजे, वो टिफिन उठा रहे थे, उनके हाथ से छू के गोली अंदर लग गई और एक कान के पास से गया और इसके बाद हम लोग मेडिकल लेके आए हैं। ऐसी घटना कई चक्कर हो चुकी है वहाँ। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं आंगन में खेलते और आंगनी में कई बार ऐसा कांड हो चुके हैं। गोली कौन चला रहा है? वहाँ फायरिंग चलती है, पुलिस वाले लोग चलाते हैं, सीखने वाले आर्मी है हो या पुलिस हो ये तो नहीं मालूम, मगर वहाँ हर साल ऐसी घटना होती है। वर्धा घाट में हर साल गोली आती है। कौन से थाने लगता है? खमरिया थाना। मनीषा बहन। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।